क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, जिस तरह से पिछले दिनों हमने खड्डों की खबरें जो है दो बार दिखाई थी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन जो है इन खड्डों को भरने का काम शुरू किया और रेती बंदर से इन खड्डों को भरते हुए मुंब्रा पुलिस स्टेशन तक का काम इसका किया गया, लेकिन उसके बाद जो है इस काम को रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद जब फिर हमने मनपा अधिकारियों से इस पर बात की कि आखिर खड्डों का काम क्यों रोका गया है, क्यों नहीं खड्डे भरे जा रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो है मनपा के अधिकारी फिर जो है एक बार सामने आए और उन्होंने बताया कि खड्डों का भरने का काम आज से शुरू किया जाएगा। और जो कलवा मुंब्रा विधानसभा के अध्यक्ष है शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान, रेहान पीतलवाला और इब्राहिम शेख, इन लोग भी यहाँ पर जो है मौजूद थे। इन लोगों ने भी जानकारी दी कि जो है जितने भी मुंब्रा शहर में खड्डे हैं उन्हें जो है भरने का काम 1-2 दिन में जो है पूरा किया जाएगा। और हम बात करेंगे जो कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान है, जो मुंब्रा शहर को कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही खूबसूरत संघाई शहर बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंब्रा शहर में जो है गड्ढों की भरमार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भरने का काम गड्ढों का शुरू किया गया है। होंगे हम शमीम खान से ही बात करेंगे। शमीम भाई, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि मुंब्रा शहर जो है एक संघाई है, अच्छी बात है कि गड्ढों को जो है भरा जा रहा है, कुछ गड्ढे भरे भी गए हैं, लेकिन संघाई का कहते हैं तो ये कहाँ तक सही है? कि आपके माध्यम से एक न्यूज दिखाई गई थी कि कहीं कहीं रोड में गड्ढे हैं, जो प्रहार टाइम्स ने दिखाया था। हम मानते हैं थोड़ा मोड़ा जब गाड़ियां चलेगी, लॉरियां चलेंगी, यहां से कंटेनर भी जाएंगे, यहां से पोकलेन भी जाएगी, तो थोड़े मोड़े गड्ढे तो इस्लामुद्दीन भाई हो ही जाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से जो न्यूज दिखाई गई थी उसे गंभीरता से लेते हुए हमारे नगर सेवकों ने बात करके गोसावी साहब से और हम लोगों ने बात किया, और आज मैं अगर आपसे कहूं तो रेती बंदर से लेकर के सोनाजी नगर शंकर मंदिर तक ये काम चालू हो गया और काम खत्म हो गया है। आगे कुछ राजू गाजी हॉकर्स और तनवर नगर के इलाकों में बाकी है, वो इंशाल्लाह ताला जी 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 जहां जहां बाकी है वो इंशाल्लाह ताला वो भी काम रात में आज हो जाएगा। और आपने कहा कि मैं बार बार कहता हूँ कि संघाई संघाई, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, क्या संघाई के अंदर गड्ढे नहीं होते क्या? और मैं बार बार कहता हूँ कि ये आप लोग जो मुझ पर कमेंट्स करते हैं मीडिया या कुछ लोग, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, क्या संघाई में, क्या सिंगापुर के अंदर, क्या रोड में थोड़े बहुत गड्ढे नहीं होते क्या? हर जगह होते हैं। और अगर अच्छी सोच को लेकर चलना, अच्छी सोच को रखना, अच्छे ख्वाब देखना, अच्छे काम करना गलत है, तो कल से मैं भी नहीं करता हूँ। अच्छी सोच को लेके चलना, अच्छी सोच को रखना, यही इंसान की काम की सबसे बड़ी कामयाबी है। और हम लोग उस नेता के सिपाही हैं जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ है। डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ की सोच 24 घंटा यही होती है कि हमारे शहर कलवा मुंब्रा का जितना अच्छा विकास हो सके, जितना अच्छा काम हो सके, उतना पूरा करना है। हम लोग उस शेर के सिपाही हैं जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ है। हम उनकी सोच पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग हमारी जनता को तकलीफ नहीं देना चाहते, एक पैसे की भी तकलीफ नहीं देना चाहते। और अल्लाह ने चाहा तो आज आपने पूछा है, कल आप ही कहेंगे कि हाँ ये पूरा चेंज हो चुका है, जो कुछ भी जो कमी जाती है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पूरा होगा। शानू भाई, आप लोग भी इसी शहर में रहते हैं, नगर सेवक हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि खबर दिखाने के बाद ही आप लोगों की आंख खुलती है? आप लोग भी इसी रास्ते से होके जाते हैं कि आप लोग की गाड़ियां इन गड्ढों से होकर नहीं जाती थी? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मुंब्रा कौसा शहर अनप्लान सिटी शहर है, पीएमसी शहर नहीं है, प्लान के जैसे जैसे वासी बनाए गए, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको बनाने में दिक्कत होती है। और जितनी प्रॉब्लम थी, माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत यहाँ पे एमएलए बनने के बाद हमारे नगर सेवकों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे अधिकारियों ने, गोसावी साहब लेके, छिंदे साहब से लेके, उन्होंने जहाँ जहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम और बड़े बड़े प्रॉब्लम निकाला, और मीडिया का शुक्रिया दिया कि मीडिया उस प्रॉब्लम को हमें दिखाता है जहाँ तक हो सकता है हमारे कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी नहीं पहुँच पाते, तो मीडिया का भी एक
जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरे कर रहा है और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मुमरा कौसा की ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ज़िंदगी में दुनिया में सबको खुश करना सिर्फ ऊपर वाले के बस में, हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं कि बेहतर रिजल्ट दे सके, जिसके लिए आप देख सकते हैं मुमरा कौसा से ना रीति मंदिर तक हमारे नगर सेवक, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे अधिकारी 24 घंटा नाले पे घुसते हैं, खड्डे देखते हैं और काम करते हैं। और बाकी आपके माध्यम से हमको जो आउटपुट मिलती है बचे हुए काम हम उसमें भी करते हैं। गोसावी सर, जैसे कि खबर दिखाने के बाद आपने बहुत सारे गड्ढों को भर दिया है, आज यहाँ भी काम चालू किए, तो ये जो रात के समय कब्रस्तान और तनवर नगर और हॉकर्स यूनियन के सामने जो गड्ढे हैं, क्या रात के समय ये भी आज काम पूरा कम्प्लीट हो जाएगा? ऐसा है कि पिछले महीने में जो वेदर का रिपोर्ट आया था कि उन्होंने बोला था कि अतिवृष्टि होने वाली है, तो उससे पहले हमने 5 दिन में खड्डे भर दिए थे, मगर कई कई जगह में खड्डे बीच में रह गए थे और आपने बीच में खबर चलाई कि अधूरा खड्डा भरा अधूरा का, तो मैंने आपको जो गवर्नमेंट का हमको सर्कुलर आया था कि कोई काम नहीं करेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, इतना तूफान आने वाला है, इतनी अतिवृष्टि होने वाली है, तो मगर उससे पहले ट्राई टू कम्प्लीट द ऑल फॉर टोल इन मुमरा। फिर मैं आपसे बात की, आपको एक सर्कुलर भी भेज दिया, तो अभी बीच में जो छोटा छोटा खड्डा भरा, अपन क्या किया था, मेन रोड का लिया था, अभी एक ऐसा डिवाइडर का पोर्शन है, ये भी डिवाइडर निकल गया था और सोनाजी नगर का नाका है, इधर के एक छोटे छोटे स्पॉट थे तो वो भी स्पॉट अपन 1-2 दिन में अपन पूरा करेंगे, क्योंकि अभी बारिश का कोई टेंशन नहीं है, अपने को पानी का भी कोई टेंशन नहीं है, और ये पूरा गत्तो अपना ऋषि बंदर से वाई जंक्शन पकड़ा है, कैसा है कि वो दिवा समिति में आता है, मगर ये आपने राउत साहब है उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया, अभी मेरा लोड चालू है, वो भी कम TMC पे का है, मेरा भी कम TMC का है, तो मैं और रहन भाई को भी 1-2-3 लोड मांगता है, तो आज हम नाइट में कल नाइट में मुमरा का पूरा खड्डा का काम भर के पूरा, मतलब 1-2 दिन के अंदर में पूरा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी क्या छुट्टी है थोड़ा लेबर का, फिर भी आज नाइट अपन मार रहे हैं और कल नाइट समझो लेबर आ गए तो दीपावली में, मगर मैं रिक्वेस्ट किया उनको कि अपन 2 दिन में काम करेंगे, बाद में अपन छुट्टी ले लो, तो शायद। और दूसरा एक पॉइंट है, जितने जितने अपने क्रॉसिंग में खड़े, अभी एक्सपीरियंस ऐसा आ गया है मुमरा का कि मुमरा का 90% एरिया कॉन्क्रीट पूरा हो गया है, मगर ये जंक्शन जो है जो क्रॉसिंग के लगा है पानी की लाइन केबल विबल सब, मगर अभी डक दे दिया आपको, तो ये जो क्रॉसिंग है ना ये पूरा अपन कॉन्क्रीट कर रहे हैं, दीपावली के बाद में खंडे का सवाल ही नहीं होगा अगले साल में, और अपना 90% कॉन्क्रीट आओ, ये भी रोड जो 5 किलोमीटर का है उसमें से अपना 3.5 किलोमीटर पूरा कॉन्क्रीट हो गया है, अभी 1.5 किलोमीटर जो बचा है उसका भी काम अपन दीपावली के बाद में, अभी स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी उसको भी लिए, पूरा जब तो रीति मंदिर का पूरा अपना कॉन्क्रीट हो जाएगा, तो मेन रोड अपना 100% कॉन्क्रीट और गली भी अपनी 90% कंप्लीट हो गई। इब्राहिम भाई क्या कहेंगे, जैसे गोसावी सर ने बताया कि अधिवा प्रभाग समिति में भी आपका वो एरिया आता है, तो वहाँ पर भी जो गड्ढे की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा? नहीं, अभी जस्ट यहाँ पे कॉन्क्रीट और रोड पे जो खड्डे भर रहे थे, तो मैं ये पता चला तो मैं गोसावी साहब हमारे फ्रेंड के साहब से मिलने के लिए आया, गोसावी साहब ने एक जुमले में मजाक में भी मुझसे बोला वो तो दीवा समिति में आता है, मेरा दीवा समिति भले आता है लेकिन ये अपने महापालिका जो क्षेत्र मध्य है, तो उन्होंने इमीडिएट मेरे को ये जो रोड का अभी खड्डे फील कर रहा है और ड्राइवर का नंबर भी दिए, हमने उनको साइट विजिट कराया और मुझे उन्हें रात के 12 बजे का टाइम दिए, जो डोंगरे नगर और रालपास कॉलोनी के पास के पट्टे है उसको आज रात में 12 के बाद में हमको फील करके वो काम को इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। ध्यान में क्या कहेंगे आप, जिस तरह से खड्डों को लेकर समस्या आ रही थी, अब कहीं ना कहीं जो है खड्डे जो है भरने का काम शुरू किया गया है, आधे खड्डे तो भर चुके हैं, कुछ ही खड्डे बाकी, ज्यादातर खड्डे भरे जा चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है कहीं ना कहीं खड्डे अगर है भी तो ये मुमरा की तरफ से काम शुरू हो गया है, मुमरा प्रभाग समिति की तरफ से, और अल्फास कॉलोनी रशीद कंपाउंड वाई जंक्शन आज रात में और कल रात में दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत भी गोसावी साहब ने बोला है कि ये काम हो जाएगा, वैसे भी ये पूरा क्षेत्र अवार्ड साहब निर्माण मंत्री साहब का क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी है, तो आज जितने भी खड्डे है वाई जंक्शन तक के पेट्रोल पंप से लेकर अल्मास कॉलोनी से लेकर आज और कल रात में इसको पूरा कर दिया। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुमरा कौसा में जो खड्डे हैं वो खबर दिखाने के बाद कहीं ना कहीं जो है मनपा के अधिकारी अब इन खड्डों को भरना शुरू किए हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के पास और ये जो है यहाँ पर जो डिवाइडर का टूटा हुआ है यहाँ पर जो है इसे खड्डा था ये भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें किसी तरह से जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के सामने जो खड्डे थे उसको भी भरने का काम और तनवर नगर और यानी सीधा वाई जंक्शन तक जो है
एक से दो दिन में खड्डे भरने का काम जो है मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी ने बताया है कि एक से दो दिन में ये काम पूरा खत्म कर दिया जाएगा, पूरे खड्डे भर दिए जाएंगे। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, सोहा टाइम्स, मुमरा।